हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे का एक आरटीआई रिप्लाई है दोस्तों। आरटीआई रिप्लाई 2019 की ग्रुप डी लेवल वन भर्ती के अगेंस्ट आरटीआई रिप्लाई है दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आया है दोस्तों। एडी ये देख लीजिए, एडीएम हेडक्वार्टर वेस्टर्न रेलवे की को एडीआरएम को हेडक्वार्टर से ये रिप्लाई आया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखते हैं पूरी जो भी बात होगी वो देखिएगा दोस्तों। ये देख लीजिएगा, ये कोई श्री श्यामलाल ने आरटीआई लिखा लगाया था और ये जोधपुर सिटी से लगा था। तो सब्जेक्ट में लिखा था सप्लाई और इंफॉर्मेशन इन यूज बाय सिक्स इन द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। योर एप्लीकेशन डेटेड 18/2/2024 को ये ऑनलाइन पोर्टल किया गया था, तो 21 को ये आरटीआई रिप्लाई आ गया दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों इसमें क्या क्या जो बात की गई है, आगे देखिएगा क्या क्या इसमें इन्होंने जो पूछी थी। देखो पहले इंफॉर्मेशन इज इन द एप्लीकेशन रिमार्क इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों पहली जो RRC वेस्टर्न रेलवे CN 1/2019, हाउ मैनी सीट यानी हाउ मैनी सीट आर एंड वैकेंट आफ्टर फोर्थ डिवी यानी एंड सिक्स डिवी प्रोविजनल पार्ट पैनल कैटेगरी वाइज, यानी इसमें बात की गई थी यानी कितनी सीटें वैकेंट है फोर्थ डिवी यानी सिक्स डिवी के बाद प्रोविजनल पैनल कैटेगरी वाइज। तो इन्होंने ऑफिशियल रिप्लाई, द कंड्यूक्ट ऑफ द डिवी हैज रिलीज विद नंबर ऑफ वैकेंसी लेफ्ट ऑन द टेम्पर इन द इंफॉर्मेशन नोट डियर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल पार्ट पैनल वैकेंट इन द सीट नॉन PWD अंडर दोस्तों UR की 170 बताई गई है, SC की 93, OBC की 93, SC की 85, ST की 47 और EWS की 25 सीटें यहाँ वैकेंट बताई गई है। आगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट जॉइनिंग आफ्टर शेडिंग जॉइनिंग कॉल लेटर द कैटेगरी वाइज, यानी इन्होंने पूछा है कि कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइनिंग नहीं की उनके ज्वाइनिंग कॉल लेटर जाने के बाद भी। तो यह बताया गया आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पैनल फ्यूचर रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग इन द क्रेडिट बट बाई द डिविजनल डिटेल इज नॉट ज्वाइनिंग कैंडिडेट इज एंड नॉट अवेलेबल इन द RRC ऑफिस, यानी ये जो डिटेल है ये डिविजन ऑफिस पे एलिजिबल है यानी कि RRC ऑफिस पे नॉट अवेलेबल। और तीसरा क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मोर देन नंबर ऑफ 63.08 हैव नॉट कॉल फॉर द OBC एंड UR द इंफॉर्मेशन इन द नॉट अवेलेबल द मेटरलेट फॉरम, ये इसके बारे में बताया कि यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे तो जो चौथा क्वेश्चन, नंबर ऑफ कैंडिडेट CCA बैच 119 ग्रुप, आगे बताया गया था आज पर द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ओनली फॉर रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन विच द अवेलेबल इन द कैंडिडेट प्रायर, इसके बारे में बताया कि यहाँ कोई जानकारी नहीं है CCA के लिए। फोर्थ डिवी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल ऑन डिवी, यानी फोर्थ डिवी में कितने कैंडिडेटों को नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज बताइए कितने कैंडिडेटों को आपने बुलाया था। तो इसमें बात की गई है फोर्थ डिवी के बारे में, 692 कैंडिडेट हार द क्लोज ऑन द फोर्थ डिवी अगेंस्ट RCN 1/2019 नॉन PWD, जिसमें UR के 401 थे, OBC के 130 से, SC के 70 थे, ST के 37 और EWS के 54 छात्रों को यहाँ फोर्थ डिवी में बुलाया गया था। अगला जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया, नॉट ज्वाइनिंग कैंडिडेट सीट एंड द वैकेंट इन द हिज सीट एड नेक्स्ट डिवी एंड रिप्लेसमेंट डिवी, तो इसमें बताया गया दियर इज नो प्रोविजनल अंडर ऑफ RTI एक्ट 2005 इन द गिवन रीजन ऑप्शन रीजन होप इन व्यू रिलीज इन द होप इवेंटली ऑप्शन ETC हेयर दिखाई, यानी कि जो भी होगी सूचना हम आगे इसमें बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मैनी नॉन PWD कैंडिडेट इन एबसेंट ऑन फोर्थ डिवी कैटेगरी, फोर्थ डिवी की अंडर प्रोसेस चल रही है, इसने ऐसे बताया तो 5 DV कब तक आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए 5 DV कब तक आ सकता है इसके लिए पूछा है, तो इसमें बताएगा आज के पर द RTI ओपी इन्फॉर्मेशन 2005 ओनली रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन विच द इज अवेलेबल इन कैंडिडेट प्रोवाइड, यानी कि ये प्रोसेस चल रही है अभी कोई इसके बारे में सूचना दी जाएगी दोस्तों। ये देख लीजिए ऑफिशियल RTI रिप्लाई है, तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है RRC CN 1/2019 के संबंध में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।